तो हेलो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आज का केक हम लोग बनाने जा रहे हैं, हाफ के जी एनिवर्सरी केक। तो जिसको भी केक बनवाना है या बनाना है वो इस तरीके का हाफ के जी केक बनवा सकता है। और ये केक है हाफ के जी का स्ट्रॉबेरी एनिवर्सरी केक है। और सबसे चहली चीज़ मैं बता दूं आप लोग को कि जो होम बेकर्स हैं, आप लोग हर बार वन एम नोज़ल ही क्यों यूज़ करते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वन एम नोज़ल के केक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, पर आप लोग हर बार वही केक को रिपीट करोगे ना तो कस्टमर को यही लगेगा कि हर बार ये बस एक ही केक बनाते हैं, एक ही केक को रिपीट करते हैं। तो क्या होता है, इससे आपका जो है होम बेकरी पे थोड़ा सा असर जाएगा। तो आप लोग कुछ अलग ट्राई करो। मैं यहाँ पे कोई बहुत ही हार्ड डिज़ाइन नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजी डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। बस आपको समझने का टाइम चाहिए कि आप लोग बस थोड़ा समझ लो कि इस तरीके का डिज़ाइन आप लोग करोगे ना तो थोड़ा सा कस्टमर को ये लगेगा कि हाँ कुछ यूनिक हो सकता है। तो हाफ के जी का केक अगर आपको कहीं बनवाना है या बनाना है तो आप इसको सेंड करके भी बनवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने साइड के डिज़ाइन पे ऐसे कट कर लिया है। देखो ये कटिंग करना भी कोई हार्ड नहीं है, एक ट्राइंगल इस साइड, एक ट्राइंगल इस साइड, आपको बनाते चलना, इस तरीके कटिंग हो जाएगी। और उसके साइड में हम लोग लगा दिए मोटी वाली मोती, जो कि बड़ी वाली होती है, इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे छोटी वाली मोती। तो आप लोग इसके बाद आपके डिज़ाइन स्टार्ट होगी। साइड की डिज़ाइन हमेशा हम लोग थोड़ा सा मिस कर देते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको साइड की डिज़ाइन को थोड़ा सा अच्छा करना है। हर बार मेरे केक पे वन एम नोज़ल का यूज़ मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वन एम नोज़ल से हट कर कुछ अलग ट्राई करोगे। क्योंकि क्या होता है कि हर बार एक ही नोज़ल से बनाने पर ना तो सेम डिज़ाइन, हर चीज़ें सेम लगने लगती है। बट कुछ होम बेकर्स ऐसे हैं कि जो काफ़ी अच्छा केक बनाती हैं, ये नहीं कहता, बहुत ही अच्छा केक बनाती है। यहाँ पे मैंने रेड रोज़ बना लिए थे। मैं हमेशा रेड रोज़ अलग पे बना के रखता हूँ, और अलग पे बनाने के बाद तब उस पर कलर करता हूँ ताकि केक पे कोई भी कलर ना जाए, जिससे केक हमारा प्योर एकदम वाइट हो। और जो कि जो साइड की डिज़ाइन होती है ना फ्लावर के, वहाँ को भरने के लिए हमने ग्रीन लीव्स लगा दी हैं ताकि केक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। मैंने यहाँ पर सिल्वर डस्ट किया, एक लगा दिया एनिवर्सरी का टॉपर, और इसके बाद यहाँ पे लगा दिए सिल्वर बॉल। अगर आप बर्थडे के लिए ये केक बनाना चाहते हैं तो आप बर्थडे का टॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये केक हो गया रेडी। आई होप आज का केक आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए सबको टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर।